तो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई गई गांधी जयंती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों पर। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट में श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा डबल इंजन वाली सरकार पर है। बीते सालों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से हमारा लक्ष्य MP को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश को टॉप 3 में पहुंचाएगा। हर साल की भांति इस साल भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर अच्छे चाल चलन और बेहतर कार्य करने वाले बंदियों को रिहा किया गया। MP के रीवा केंद्रीय जेल से 7 बंदियों को रिहाई मिली है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर रिहाई के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित उन कैदियों की सूची मुख्यालय को भेजी गई थी जिन्होंने सूखी सजा के 14 साल और माफी मिलाकर 20 साल का कारावास भुगत लिया है। MP की मऊगंज पुलिस ने एक महिला के खाते से करीब 6.5 लाख रुपए उड़ाने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए बदमाश में महिला का नाबालिग देवर भी शामिल है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने नकदी समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर राज्यसभा विवेक तन्खा ने ना कर दी है। विवेक तन्खा का कहना है कि मैंने कभी भी राजनीति को इलेक्शन के नजर से नहीं देखा है। चुनाव तो एक प्रक्रिया थी। विवेक तन्खा का कहना है कि मैंने समाज सेवा में आना चाहता था, इसलिए मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीधे जिले के सराफा कारोबारी को सिंगरौली जिले में बदमाशों ने रास्ता रोककर सीने में गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए सराफा कारोबारी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है जहां घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बड़े नेता बन जाने और हाथ कैसे जोड़ेंगे वाले बयान पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की तुलना रावत से कर दी है। उन्होंने कहा कि इतना घमंड अच्छा नहीं। मध्य प्रदेश के सीधी से BJP के टिकट पर लगातार 3 बार से जीत दर्ज कर दर्ज दिलाने वाले विधायक केदार शुक्ला का टिकट इस बार कट गया है। BJP ने उनकी जगह सीधी सांसद रीति पाठक को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। पार्टी के इस फैसले से नाराज केदार शुक्ला सोमवार को सीधी में शक्ति प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि आदिवासी पेशाब कांड के कारण केदार शुक्ला का टिकट आलाकमान ने काट दिया है। महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को विशेष स्थान दिलाने की मुहिम छेड़ने वाली उमा भारती आज एक कार्यक्रम में आरक्षण पर खुलकर बोली। उनका कहना है कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। साथ ही उमा भारती एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले रखा है। दिल्ली से जारी इस उठा पटक का दर्द आज CM शिवराज सिंह चौहान की जुबा पर भी आ गया है। CM शिवराज ने कहा कि मेरी बहना ऐसा भैया मिलेगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। अपनी बुधनी विधानसभा के लाड़कुई में कार्यक्रम में शामिल होने आए CM शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों, मैंने सरकार नहीं परिवार चलाया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।